For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बिग बॉस के सीजन 11 ने यूं तो हमें बहुत कुछ दिया था और कहा ये भी जाता है कि बिग बॉस का सीजन 11 अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन था, जहां सेलिब्रिटीज तो सेलिब्रिटीज लेकिन कॉमनर्स भी इस वाले सीजन से बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे। बात चाहे पुनीश की हो या फिर लव त्यागी की और या फिर ऐशी खान की, हर तरह से बिग बॉस का सीजन 11 कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट का पैकेज था। लेकिन एक और चीज थी जो बिग बॉस 11 ने हमें दी थी, वो थी शिल्पा शिंदे और हिना खान की मेजर फाइट और बहुत ही सारी नफरत। यानी कि भाई शिल्पा और हिना तो सही, लेकिन इनके फैंस के बीच में भी करारी तकरार हो गई थी जो वक्त वक्त पर अभी तक सामने आती रही है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि बीते दिन क्योंकि हिना खान का बर्थडे था, तो ऐसे में अब खबरें ये हैं कि हो सकता है कि कोल्ड वॉर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जी हां, आपको बता देते हैं कि शिल्पा ने हाल ही में हिना को अपने ट्वीट के जरिए बधाई दी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारी तस्वीर हिना की और अपनी बिग बॉस के घर से पोस्ट की। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि हिना ने भी इसका रिप्लाई बहुत ही खास अंदाज में किया और साथ ही शिल्पा को ये याद दिलाया कि भाई उन्हें भी इस फोटोग्राफ का और उस पल का अभी भी याद है और साथ ही इस टास्क की याद अभी भी उनके जहन में है। तो जाहिर तौर पर अब इस ट्वीट से और इस रिप्लाई से कहीं ना कहीं ये लगने लगा है हमें भी कि भाई शिल्पा शिंदे और हिना खान की फाइट का दी एंड हो चुका है। तो फैंस, हमें लगता है कि अब आपको भी लड़ना झगड़ना बंद कर देना चाहिए और शिल्पा और हिना दोनों को बैश करना भी बंद कर देना चाहिए। रोल बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।